आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का पहला भाग लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यह आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर पाएंगे, जिसके लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो एक रिवाइज वीडियो होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन है। इस तरह पर्वत वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी एक यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि जो माउंट एवरेस्ट है ये किस देश में है। माउंट एवरेस्ट, कई लोगों ने इसको इंडिया ट्रिक किया, हालांकि ये गलत है। माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, जिसको कि सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बोस्निया, और यहाँ का जो प्रमुख पर्वत है ये है डिनैरिक आल्पस। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है। तो ये है रूस, और रूस की कैपिटल बता सकते हैं आप, तो ये है मॉस्को। और यहाँ पे लगभग 2002 से व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं, जो कि लगातार हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है। तो ये है रांची। रांची मतलब कि ये बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बिहार से अलग हुआ था, और ये झारखंड की कैपिटल है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो ये था रांची ही। अब अगला क्वेश्चन है कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। कोचीन का जुड़वा नगर, तो देखिए इसको ट्वाइन सिटी कहा जाता है, तो ये है एनार्कुलम। एनार्कुलम को कोचीन का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये जो जुड़वा शहरों वाले क्वेश्चन हैं कई हैं, और आपके परीक्षा में सभी बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि जो भी जुड़वा शहर वाले क्वेश्चन हैं कौन कौन से हैं। जैसे पूछा जाता है हैदराबाद का, अगर आपको पता है तो हमारे लिखने से पहले कमेंट करके बता दिया करिए। हैदराबाद का होता है सिकंदराबाद। इन दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है, और कारण ये है कि सभ्यता, खान पान, ये दोनों सेम होने के कारण। कोलकाता का जुड़वा शहर, कोलकाता, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको बता रहे हैं, ये होता है हावड़ा। ठीक, उसके बाद पुणे, पुणे का ये होता है पिंपरी, चिचवाड़ा, चिंचवाड़ा होता है पिंपरी, चिचवाड़ा। उसके बाद एक कटक, इसका जुड़वा शहर है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है, जो कि उड़ीसा की राजधानी भी है। उसके बाद हुबली, देखिए अगर आप केवल पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये सारे चीज़ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पीडीएफ में आपको वही मिलेगा जो आपके स्क्रीन पर प्रिंट रूप में दिख रहा है। हुबली का होता है धारवाड़। और इसके बाद हम बात करें कोची का, मतलब कि कोचीन जिसको बोलते हैं, तो इसका होता है एनार्कुलम, और दोनों ही केरल के प्रमुख जगह हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो ये है गांधीनगर, गांधीनगर जो कि गुजरात में है, और इसका जुड़वा शहर कहा जाता है अहमदाबाद को, अहमदाबाद को। इसके साथ दुर्ग है, इसका जुड़वा शहर है भिलाई। रांची है, रांची का जुड़वा शहर है हटिया। और ये दोनों झारखंड में है। तो इस तरह देखिए इतने जुड़वा शहर वाले क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। हैदराबाद का सिकंदराबाद, कोलकाता का हावड़ा, पुणे का पिंपरी चिचवाड़ा, कटक का भुवनेश्वर, हुबली का धारवाड़, गांधीनगर का अहमदाबाद, दुर्ग का भिलाई, रांची का हटिया। तो इतने तरह के जुड़वा शहर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अगला है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितने हैं। तो ये है 400 करोड़ वर्ष। अगला है कि 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ पे शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी शिव समुद्रम में। अब ये है कहाँ पे, तो ये है कर्नाटका में, कर्नाटका में। इसकी कैपिटल कहाँ पे है, तो बेंगलुरु इसकी कैपिटल है, और इसरो का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। बेंगलुरु को सिल्कन सिटी भी कहा जाता है। अगला है कि भारत में सबसे पहले कोयला उत्खनन, मतलब कि कोयला की खुदाई वाला काम किस स्थान पर शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया रानीगंज में। रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल में,
वेस्ट बंगाल में और इसकी कैपिटल है कोलकाता। आपको बता दें कि जो वेस्ट बंगाल है ये जूट की खेती के लिए जाना जाता है, मतलब कि जूट की सबसे ज़्यादा खेती वेस्ट बंगाल में ही होती है। आगे बढ़ें तो अगला है कि खैरब दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं, तो ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मतलब कि ये दोनों देश खैरब दर्रे से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये है कोसी, जो कि एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो गंगा नदी है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि बस जो नदियों के शोक वाले क्वेश्चन है एक ही पूछा जाता है, कई क्वेश्चन है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा भारत का शोक, भारत का शोक तो ये है कर्मनासा। बिहार का बता चुके कोसी, बंगाल का शोक तो ये है दामोदर, असम का शोक ब्रह्मपुत्र, उड़ीसा का शोक ब्रह्माड़ी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चीन का शोक भी कई बार आपसे पूछा गया है, तो ये है वांगो, हांगहो कहा जाता है, वांगो या फिर हांगो कहा जाता है। और ये है शोक वाले क्वेश्चन जो कि कई बार पूछे गए हैं। कभी कभी नदी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 6500 या फिर 6600 किलोमीटर के करीब करीब है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है कि वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। दर्रा होते हैं जो कि पर्वतों के बीच में जो रास्ता होता है, तो यह है नाथुला दर्रा। और आप देखेंगे कि जो मानसरोवर के लिए यात्री जाते हैं वो लोग भी इसी के होके इसी रास्ते से होके जाते हैं, तो इसको 2006 में खोल दिया गया था व्यापार के लिए भारत और चाइना के बीच में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्न में से किसकी वृद्धि, मतलब कि परसेंटेज में, देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है, तो यह है महिला साक्षरता। और महिला साक्षरता के साथ जो इनका लिंगानुपात है जिसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं, इसकी भी वृद्धि हुई है। क्योंकि अगर आप इस समय देखेंगे तो सबसे कम जो सेक्स रेशियो या फिर सेक्स रेशियो है ये है हरियाणा की, और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का है, केरल का। साक्षरता देखेंगे तो साक्षरता में ये केवल महिला की बात हो रही है, साक्षरता देखेंगे तो सबसे कम है राजस्थान का और सबसे ज़्यादा है केरल का। तो देखा गया है कि जहाँ पे साक्षरता अच्छी रहेगी वहाँ पे सेक्स रेशियो भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसमें सबसे तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, तो ये है महिला साक्षरता। देखिए जो केरल स्टेट है यहाँ पे पुरुष साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है, महिला साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है और ऑल ओवर साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है। अगला है कि निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, मतलब कि सबसे पुरानी है, तो ये है आग्नेय। आग्नेय चट्टाने कहाँ से मतलब कहाँ बनती हैं, तो अगर आपने सुना होगा ज्वालामुखी का नाम, तो ये ज्वालामुखी जहाँ पे होता है वहीं पे आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं। अगला है कि निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो अमरनाथ की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये कहाँ पे है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। आपने देखा होगा कि अमरनाथ की गुफा की यात्रा के लिए एक अमरनाथ यात्रा भी निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है, तो यह है फिलीपींस में। और आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन होगा कि आपको हमें कमेंट करके बताना है कि फिलीपींस की कैपिटल यानी कि राजधानी कहाँ है, फिलीपींस की कैपिटल यानी कि राजधानी कहाँ है, हमें कमेंट करके बताइए। और देखिए आपको बता दें अगर भारत से ज्वालामुखी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भारत में केवल दो ज्वालामुखी है, पहला है बैरन ज्वालामुखी और दूसरा है नारकोंडम, नारकोंडम ये कहाँ पे है, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, दोनों वहीं पे है। और जो नारकोंडम है ये प्रसुप्त है, मतलब कि सोया हुआ अवस्था में है, और जो बैरन ज्वालामुखी है ये एक बार जागृत हो चुका है, मतलब कि सक्रिय है। तो भारत में केवल दो ही ज्वालामुखी है, नाम याद रखिए, बैरन ज्वालामुखी और ये दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी।
आपसे लोकेशन भी पूछा जाता है, तो ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो ये है बेतवा। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें बेतवा ही सही था। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई नदियाँ हैं जो केवल बंगाल की खाड़ी में बे या बंगाल में जाके गिरती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम की तरफ मतलब कि जो गुजरात साइड है इधर गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, तो ऑप्शन हो सकता है नर्मदा। नर्मदा के नाम पे एक यात्रा भी निकाली जाती है और इसका अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में है, हालांकि गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी कुछ भाग पड़ता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें महानदी था, तो महानदी ट्रिक कर देंगे। अगर महानदी नहीं होता तो यहाँ पे सही उत्तर होता ब्रह्माड़ी। अगला है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है, तो ये होता है पृथ्वी का नीफे वाला भाग। देखिए आपको थोड़ा सा बता दें हमारी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की सतह को मतलब आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, तो इसका जो ऊपरी सतह है इसको हम कहते हैं परपटी। ध्यान से सुनिए, ये कई बार पूछा गया है, ये परपटी है। और यहाँ पे इसकी जो लंबाई है मतलब इसकी जो मोटाई है ये 35 किलोमीटर है, लेकिन अगर समुद्र सतह पे आप बात करेंगे तो ये केवल 5 किलोमीटर है। और इसमें सिलिका और एलमुना, क्या चीज़, सिलिका और एलमुना, इसको सीएल कहते हैं, और इसमें सिलिका और एलमुना मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके नीचे मतलब कि जो परपटी है इसके नीचे जो भाग पाया जाता है, मतलब कि यहाँ तक अगर परपटी हो गई यहाँ तक, तो इसके नीचे जो भाग पाया जाएगा इसे हम कहते हैं मेंटल, मेंटल। और इसकी जो मोटाई है यह है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, और इसको ही हम कहते हैं निफे, इसी को कहते हैं निफे। और निफे क्यों कहते हैं, क्योंकि नी से होता है निकिल और फे से होता है फेरस मतलब कि लोहा, फेरस। तो यहाँ पे निकिल और फेरस की प्रधानता होती है इसीलिए इसको हम निफे कहते हैं, या फिर इसको आप मेटल भी कह सकते हैं। इसकी मोटाई जानी है 2900 किलोमीटर। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो पहली परत है उसको हम कहते हैं क्या, परपटी। उसके बाद जो परत आती है उसको हम कहते हैं निफे या फिर मेटल। आपको बता दें कि यहाँ पे आग्नेय जो चट्टाने होती हैं यहाँ पे ज्यादा निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ मान लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो आसमान का रंग हो जाएगा काला। यही क्वेश्चन आपसे कई तरह से पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, सही उत्तर है काला। पूछा जाता है कि जहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ पे आकाश कैसा दिखेगा, काला। अब आपको जानना चाहिए कि ये काला क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे धूल के कण नहीं रहेंगे, जब वायुमंडल नहीं तो धूल के कण नहीं, जब धूल का कण नहीं रहेगा तो प्रकाश का विक्षेपण मतलब कि प्रकाश को टकरा कर इधर से उधर फैलने वाली क्रिया नहीं होगी और जो हमें आकाश है वो दिखेगा काला। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी पक्षिपात डेल्टा का निर्माण करती है, तो यह है मिसिसिपी नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सा डेल्टा बनाया जाता है पश्चिम बंगाल के करीब करीब, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को कौन बनाता है ये भी आपसे पूछा गया है, तो ये बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। ब्रह्मपुत्रा वही है जो कि कैलाश मानसरोवर से निकलती है, चाइना से होकर के अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा पर्वत से टकरा करके एक नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है मांजुली नदी द्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्योंकि ये नदी पर है। द्वीप का मतलब आप क्या समझते हैं, कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो मांजुली द्वीप बनाने के बाद ये असम में आती है और असम में इसको ब्रह्मपुत्रा का नाम मिलता है। तो ये सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। ये है कहाँ पे, कौन बनाता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये है आयरन, ये एंथ्रासाइट नहीं। अगला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है, तो ये है झेलम। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पे है, तो चलिए आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। पहला है दामोदर घाटी परियोजना, तो ये सबसे पहले मतलब कि भारत की सबसे पहली परियोजना थी स्वतंत्र भारत की, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना कौन थी, तो ये थी दामोदर, 1948 में शुरू की गई थी। और आपको बता दें कि ये पश्चिम बंगाल और झारखंड
मतलब कि वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये दोनों स्टेटों की संयुक्त परियोजना है। ये दामोदर नदी पर स्थित है और इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। तो बाढ़ नियंत्रण इसका उद्देश्य है। हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे लेकिन जितना जरूरी है हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं उसका। उसके बाद है भाखड़ नंगल परियोजना। भाखड़ भी कुछ लोग बोलते हैं, नांगल परियोजना। अब ये पंजाब और राजस्थान में है, पंजाब और राजस्थान में, और इसके साथ इसमें कुछ भाग में हरियाणा भी जुड़ा हुआ है। ये है सतलज नदी पे, सतलज नदी पे। और इसके बाद आपको बता दें इंदिरा गांधी नगर परियोजना, इंदिरा गांधी नगर परियोजना, तो ये भी पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और ये ब्यास नदी और सतलज नदी पे मिलके बना हुआ है। कोसी नदी परियोजना अगर आपसे पूछा जाए तो भारत और नेपाल के बीच की ये परियोजना है। इसके लिए 1954 में एक समझौता हुआ था नेपाल और भारत के बीच में, कोसी नदी पर इसके लिए बांध भी बनाया गया। एक पूछा जाता है हीराकुंड बांध परियोजना, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है और ये बनाई गई थी महानदी पर। तो देखिए अगर आप केवल PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये सारे फैक्ट नहीं मिलेंगे। जरूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसीलिए हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, मतलब कि अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो रख रहे हैं। अगला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, तो ये है नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना है और कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। अगला है कि मालवीड प्रक्षेप की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये होता है शुद्ध क्षेत्रफल। अगला है कि सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था, तो ये ग्रीकों द्वारा किया गया था, सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है जैसलमेर। हालांकि आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो ये है राजस्थान, कैपिटल है जयपुर, जिसको कि हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, तो यह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ पे है, लखनऊ। लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी के लिए, चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। इसको हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। बेगम हजरत महल 1857 में जो क्रांति हुई थी वहाँ लखनऊ में, वहाँ पे इन्होंने काम किया था, नाम था बेगम हजरत महल। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहे हैं आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके, या फिर वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा एंटार्कटिक महासागर से ही प्रवाहित होती है, तो यह है सुसीमा धारा। अगला है कि ठंडी और भारी वायु द्वारा गर्म और हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं शीत वाताग्र। आगे बढ़े तो अगला है कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं, तो ये होता है लिपुलेख दर्रा। कहाँ पे जाते हैं, चाइना में। चाइना की कैपिटल कहाँ पे है, बीजिंग। और चाइना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अगर आपने देखा हो इस वीडियो को, वांगहो। और वांगहो चाइना ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, तो जो मानसरोवर झील है यहाँ से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा तीनों निकलती हैं और तीनों आप देखेंगे कि इंडिया में आती हैं। अगला है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 180। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण कौन करता है, अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपको खुद ब खुद पता होगा ये किया जाता है ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। नदी कहाँ से टकरा के आती है, तो नमचा बरवा पर्वत से, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं देशांतर। देशांतर कहा जाता है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि स्थल मंडल का मतलब क्या है। स्थल मंडल मतलब कि आपने सुना होगा स्थल मंडल,
तो स्थल मंडल का मतलब है पृथ्वी की बाह्य परपटी, मतलब कि जो स्थल मंडल होता है जिसपे सभी जीव जंतु हैं। स्थल मंडल जीव मंडल के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पे देखिए जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे ऊपर है आप देख सकते हैं, जिसमें हवा चलती है, प्लेन चलते हैं, सब वायुमंडल है। कई बार आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन SSC और PCS लेवल तक के एग्जामों में पूछा जा चुका है। पूछा जाता है कि कौन कौन, तो पहला होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरा होता है क्या, क्षोभ मंडल के बारे में आपको बता दें कि यह 8 से 18 किलोमीटर दूरी तक होती है, और इसमें अगर आप 165 किलोमीटर ऊंचा जाते हैं तो आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में गिरावट महसूस होती है, मतलब कि लगभग अगर 6 डिग्री की तापमान होगी 6 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 किलोमीटर में, जो भी बादल और बारिश वाली सारी घटनाएं होती हैं सभी इसी मंडल में होती हैं। दूसरा होता है समताप मंडल, समताप मंडल। और समताप मंडल में जो वायुयान होते हैं, मतलब हवाई जहाज होते हैं, उड़ते हैं, और समताप मंडल में ही जो ओजोन लेयर है वो शुरू हो जाती है। तीसरा मंडल है, इसको ओजोन मंडल कहते हैं। देखिए समताप, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओजोन किस लेयर में पाई जाती है, तो आपको अगर ओजोन मंडल का ऑप्शन नहीं है तो आपको एकदम समताप मंडल को ही टिक करना होगा, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर ओजोन मंडल का ऑप्शन अलग से मिलता है तो आप ओजोन मंडल को टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि ओजोन मंडल के बाद होता है आयन मंडल, चौथा आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद जो पांचवा होता है इसको हम कहते हैं ब्रह्मंडल, मतलब कि सबसे बाहरी वाला मंडल। बस आप ये जानिए, पांच होते हैं, सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अगला है कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा देश है, तो ये है नेपाल। हालांकि इसमें भी कई कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र पूछे तो आप नेपाल को ट्रिक कर सकते हैं, भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो आशा है कि आपने अभी तक इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। अगला है कि निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सबसे अधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है, तो ये है पंपास क्षेत्र, मतलब कि अर्जेंटीना में। अगला है कि निम्न में से कौन स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, तो ये है गेसर। निम्न में से कौन पृथ्वी का एक अस्थायी खंड नहीं है, तो हिमालय पर्वत, क्योंकि देखिए अस्थायी खंड मतलब कि जो पृथ्वी के साथ रहा हो, तो हिमालय को जो आप देखते हैं जो इतना ऊंचा है 8,848 मीटर, ये नेपाल में है, जिसको सागर माथा के नाम से हम जानते हैं, ये पृथ्वी का एक अस्थायी हिस्सा नहीं है। जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे एक समुद्र हुआ करता था, नाम था टिसीथ, टिसीथ नाम था उसका। वहाँ पे इंडो यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने के बाद ये समुद्र के ऊपर जब दो प्लेट टकराई तो यहाँ से एक प्लेट ऊपर होती गई और एक प्लेट उसके नीचे जाती गई, तो इस तरह क्या हुआ कि एक बड़े पर्वत का निर्माण हो गया। और आपने सुना होगा कि इसकी लंबाई आज भी बढ़ रही है। तो यह है हिमालय जो कि बाद में बना, यहाँ पे एक समुद्र हुआ करता था हजारों साल पहले, नाम था टिसित समुद्र। अगला है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है, तो यह है जिप्सम। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि सॉरी कल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो सॉरी कल्चर में क्या होता है कि हम रेशम के कीड़े पालते हैं और इसका रिलेशन है रेशम के से। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला एक मंदिर है जहाँ पे महिलाओं को एंट्री नहीं थी, इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। ये मंदिर है केरल में, और यहाँ पे हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अलाउ किया। और इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है, बाबा विश्वनाथ मंदिर क्या आपको पता है, तो कमेंट करके बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको सही उत्तर बता दें कि इस जो सिटी है उसका नाम भी से शुरू होता है। अगला है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, आप इसका PDF डाउनलोड करिए, आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा उत्पन्न करता है कितने वाट का, तो ये होता है 520 मेगा वाट का। आगे बढ़ते हैं, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो यह है माउंट केटू, जिसको कि हम गाडविन आस्टिन भी कहते हैं। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है, जो नदियां खुद बना लेती हैं, तो इसे हम कहते हैं नदियों का तट,
या फिर तटबंध। काली मंत्रम की जिस द्वीप का समूह अंग है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं वोर्निया, वोर्नियो। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि गहरी जड़ी वाले फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, तो यह है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए, कई बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा हिस्सा महाराष्ट्र के एरिया में पाया जाता है और ये गहरी जड़ों वाले फसलों के लिए उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, ये है गन्ना। गन्ना से मिलता है चीनी और गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, जिसकी कैपिटल है लखनऊ। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के रूप में की जाती है, तो यह कपास, जूट, चाय। देखिए होता क्या है कि जो हमारे यहाँ खेती होती है उसका 76% हम केवल खाने वाली फसल उगाते हैं और 24% केवल नकदी फसल उगाते हैं। वही कारण है कि यहाँ पे जो किसान हैं ज़्यादा परेशान होते हैं। कारण ये है कि अगर हम गेहूं, चावल, गेहूं और धान उगाएंगे तो उन्हें बेचने में उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है जितना कि उन्हें उगाने में मेहनत है। तो हम अधिकतर क्षेत्र में जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन क्षेत्रों में हम अधिक से अधिक मात्रा में केवल गेहूं और चावल को उगा पाते हैं। तो यहाँ पे केवल 24% हिस्सों में नकदी फसल उगा पाते हैं। नकदी फसल मतलब कि जो ज़्यादा कैश दे, जैसे कि कपास है, चावल है, जूट है। देखिए होता है कि अगर आप धान उगाते हैं तो उनमें से आपको अपना हिस्सा काट करके रखना पड़ेगा, जो अगर एक्स्ट्रा हुआ तभी आप उसे बेचेंगे, नहीं हुआ तो नहीं बेचेंगे। लेकिन इनमें क्या है कि आपको इसमें हिस्सा रखना ही नहीं होता है, आप कितना हिस्सा रखेंगे चाय का, सब तो आपको बेचना ही होता है और ज़्यादा पैसा मिलता है, इसे हम नकदी फसल कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या फिर उद्योगों का आधार कहा जाता है, तो यह है लौह इस्पात उद्योग को। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति के सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, तो ये होता है ज्वालामुखी। क्योंकि ज्वालामुखी में क्या होता है कि धरती के अंदर जब गैस भर जाती है तो यहाँ से ये निकल जाती है। भारत में कितने ज्वालामुखी हैं, दो। आपको भारत के दोनों ज्वालामुखी का नाम कमेंट करके बताना है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको दोनों ज्वालामुखी का नाम जरूर पता होगा। ये ज्वालामुखियों के नाम बताने के लिए आपका ये आज का तीसरा क्वेश्चन होगा। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ पे है, तो यह है बृहद और लघु हिमालय के बीच में। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो यह है जस्ता, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, मतलब कि सूर्य के ऊपरी सतह की बात की गई है, यह है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि अंदर का पूछा जाएगा तो यह 6400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। तो धरातल का तापमान है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे होता क्या है कि इतनी गर्मी निकल रही है, तो यहाँ पे होता है सलयन। किसका सलयन होता है, कौन सी गैस का सलयन, मतलब कि नाभिकों का जुड़ना। यहाँ पे है हाइड्रोजन और कुछ भाग हीलियम, यही दोनों गैस हैं। यहाँ पे इन्हीं का नाभिकीय सलयन होता है। नाभिकीय सलयन का एक और उदाहरण है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम, जल्दी जल्दी कवर करने के चक्कर में गलतियाँ हो रही हैं। हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय सलयन में, और नाभिकीय सलयन में क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। इसका उल्टा होता है नाभिकीय विखंडन, विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, और इसका उदाहरण है परमाणु बम, परमाणु बम। संध्या काल में सबसे अधिक मतलब कि लाल दिखने का कारण क्या है, तो ये होता है पच्छाप के कारण होता है, क्योंकि सूर्य दूर होता है और वहाँ से केवल रेड कलर की कीड़े ही आ पाती हैं। और यहाँ पे अगर मेघ से पूछा जाए तो मेघ का कारण होता है पच्छाप। अगला है कि पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था, तो ये ऑक्सीजन शुरू में नहीं था। बाद में अगर आपने सुना होगा तो पृथ्वी एक जलते हुए आग की गोला थी, बाद में धीरे धीरे यहाँ पर बरसात हुआ और धीरे धीरे यहाँ पर ऑक्सीजन आया। अगला है कि बेगुला की धारा है, तो ये है ठंडी महासागरीय धारा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आपको बता दें कि इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप इसे अपने एक दोस्त में शेयर करते हैं तो ये वीडियो ढेर सारे लोगों में जा सकती है, इसलिए लाइक करने के साथ ज़रूर शेयर करिए। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। इस तरह के जो भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड हैं आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।